और इसी बीच खबर आ रही है बीकानेर से, जहां बीकानेर जिले के लून करड़सर तहसील के सहजराड़सर गांव में जमीन धंसने के बाद बुधवार को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची है। जीएसआई के 3 सदस्यों की टीम के साथ लून करड़सर उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार, तहसीलदार बाबूलाल कालू, थाना अधिकारी धर्मवीर गोदारा भी मौजूद रहे हैं। जीएसआई अधिकारी देव प्रसाद साहू ने बताया कि अगले 2 दिनों तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां जमीन धंसने के कारणों का पता लगाएगी। गौरतलब है कि यहां कुछ दिनों पहले जमीन धंसने से करीबन 70 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि जमीन परिक्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा आए दिन लोग क्षेत्र में बड़ी संख्या में आते हैं और वीडियोग्राफी भी करते हैं। कालू थाना अधिकारी धर्मवीर गोदारा ने बताया कि इससे पूर्व सहजरासर गांव के एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल की तैनाती भी की गई है। लून करड़सर से लोकेश कुमार बोहरा की रिपोर्ट। अभी देखिए तो अभी तो हम साइट देख रहे हैं, तो कल हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। अभी तो हम प्रिलिमिनरी देख रहे हैं, कल डिटेल स्टडी करने के बाद हम बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। बाकी इस एरिया का जो ग्राउंड वाटर डाटा और आपका जो DGM स्टेट कमेटी, उनके साथ इंट्रैक्शन होगा, फिर फाइनली हम बताएंगे कि क्या हुआ है एग्जैक्टली इस एरिया में।